जैसे हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड सेंटर इन अ ट्री। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है d1, d2 = 2, यानी कि v1 और v2 वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या है 2। अब ये कैसे फाइंड होगी इसे ही हमें निकालना। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स v1 एंड v2 = 2 है। तो जब भी हमें किसी दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो हम उसके एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के जितने भी पाथ होंगे उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे छोटा पाथ होगा, उसके नंबर ऑफ वर्टेक्स जो होंगे वही क्या होगी उसकी डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं v1 से v2 जाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। यहाँ पे v1 वर्टेक्स है, जैसे हम इसी ग्राफ को ले लेते हैं फिगर 8.3 को। v1 वर्टेक्स यहाँ पर है, v2 वर्टेक्स यहाँ पर है, तो हम किस किस तरीके से v1 से v2 पर जा सकते हैं। जैसे हम एक तो ये रास्ता है हमारा, डायरेक्ट हम यहाँ पे v2 पर आ गए, यानि कि a, e। कौन कौन से वर्टेक्स पड़े यहाँ पे? a और दो वर्टेक्स पड़े। एक सेकंड वेज हमारा क्या है कि हम पहले तो इस पे a पे जाएंगे, उसके बाद d पर जाएंगे, d से बाद फिर g पर जाएंगे, g के बाद फिर h पर जाएंगे, फिर हम वर्टेक्स v2 पर पहुँच जाएंगे। दूसरा वे हमारा ये हो गया। तो इसमें कौन कौन सी वर्टेक्स आई हमारी? a, d, g, h। तो ये हो गया एक पाथ हमारा। एक अनदर पाथ भी हो सकते हैं, एक काफ़ी पाथ हो सकते हैं हमारे। दूसरा पाथ क्या होगा? हमने वर्टेक्स यहाँ से स्टार्ट करी, उसके बाद हम सीधा एफ से होते हुए v2 पर पहुँच गए। दूसरा पाथ हमारा ये हो गया। अब एक और पाथ भी हो सकता है, ए से गए यहाँ पे, फिर गए हम डी पर, फिर डी से होते हुए हम चले गए एफ पर। तो एक ये पाथ हमारा। इसी तरीके से काफ़ी पाथ बन सकते हैं, जब हम ऐसे होते हुए ऐसे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी पाथ बनेंगे जब हम v2 वर्टेक्स पे जाएंगे। तो वो हमारा पाथ जिसमें हमें हमारी सबसे कम एज से होकर गुजरना पड़े किसी दो वर्टेक्स के बीच में, वही पाथ के टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? हमारी डिस्टेंस। अब जैसे हम इसमें देखें, सारे इसी तरीके से हमारे v1 से v2 पर जाने के रास्ते दिखाए गए। इसमें दो वर्टेक्स पड़ी हैं, तो एक तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। इसमें 1, 2, 3, 4 वर्टेक्स आई हैं, वो ये नो वर्टेक्स नहीं एज हैं। इसमें 2 एज आई है, इसमें 4 एज आई हैं, ये हो सकता है गलत प्रोनाउंस हो गया, ये एज है। तो 4 एज हैं, तो इसमें ज़्यादा एज हैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। ऐसी इसमें 2 एज है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। इसी तरीके से हम बात करें इसकी, तो इसमें 3 है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा क्योंकि इससे पहले इसमें 2 वाली हैं। इसी तरीके से इसमें भी 3 है। तो ये तो हमारा क्लियर है कि इसमें 2 एजिस वाला ही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे, और नंबर ऑफ एजिस मिनिमम जो भी पाथ में होंगी वो क्या होगी? हमारी डिस्टेंस। तो क्योंकि 1 और 2 इसमें शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसकी डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स v1 और v2 क्या हो गई हमारी? 2। तो इसी तरीके से किसी भी दो वर्टेक्स के बीच की हमें यदि डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो हम उसका शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, वो पाथ जहाँ पे हमें कम से कम एज से होकर गुजरना पड़े, और जो एज की संख्या होगी कम से कम एज पे गुजरने पर वही हमारी क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 वर्टेक्स। तो ये तो था हमारा डिस्टेंस ओवर 2 वर्टेक्स। इसके बाद हम देखेंगे सेंटर एंड रेडियस एंड डायमीटर।